आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम दिखाएंगे अपने प्यारे डॉगी शेरू के बच्चे। बहुत दिनों के शेरू ने बच्चे दिए पर हमें पता नहीं था, तो आज हमें पता चला, मतलब कल हमें पता चला और आज हम वीडियो बनाने चले आए क्योंकि शेरू हमारा सबसे प्यारा डॉगी है और उसका बच्चे का वीडियो बनाना हमारा कर्तव्य है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। शुरू होने से पहले लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल एनिमल लवर नैतिक को यूट्यूब में सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस तो चलते रहिए हमारे साथ। तो गाइस ये है शेरू और इसके बच्चे हम आज आपको दिखाएंगे जो उस घर में है। तो आगे हम इसको खाना खिला देते हैं फिर वो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो अभी मैं इसको खाना खिला रहा हूँ और ये हम बहुत दिन बाद इसको खाना खिला रहे हैं गाइस। बहुत दिन हो गए, ये अभी इसी घर में रहता है अपने बच्चों के साथ। यह इसी घर में अपने बच्चों के साथ रहता है तो हमें इसको टाइम नहीं मिलता। तो बहुत दिन बाद हम आए हैं तो आज इसको खाना भी खिला रहे हैं गाइस। तो गाइस देखिए यहाँ पर है शेरू के बच्चे। कुछ अच्छे से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी मुझे तीन दिखाई जा रहे हैं पर शेरू ने पांच दिए थे। ये किसी का घर है तो हम वैसे घुस नहीं सकते, तो हम बाहर से आप लोगों को शेरू के बच्चे दिखा रहे हैं गाइस। ये अगर कुछ और बड़े हो जाए तो हम इनका अच्छे से एक वीडियो करेंगे। फ़िलहाल ये अभी घर में है किसी लोग के घर में, तो अभी हम उनके घर में तो नहीं घुसेंगे। देखिए ये ब्राउन वाला सामने आ गया है गाइस। और यहाँ पर अभी मुझे तीन दिखाई जा रहे हैं पर असल में यहाँ पर और भी है, मतलब और भी यहाँ पर है। देखिए एक और निकल गया, इसका मतलब चार है। रहेंगे सब यहाँ पर, बहुत सारा सामान है तो उसके अंदर है शायद। और बहुत क्यूट हुए हैं तो अभी हम लोग मिलते हैं आप लोगों से मैदान में, वहाँ पर भी पपीज़ को खाना खिलाते हैं गाइस। तो चल तो गाइस अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि रिजू, शेरू, ब्लैकू, पोची, गुड्डू, पीशू, शेरनी सबको खाना खिला रहा है। पर यहाँ पर इतने सारे डॉग्स हैं तो उसको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, पर शेरनी खाना नहीं खा रही है। और शेरू को तो आप लोगों ने देखा है कि हमने शेरू को अभी खाना खिलाया है पर उसका भूख मिटता ही नहीं है। वो ना ही ब्लैकू को खाने दे रहा है अच्छे से, ना ही पोची को, ना ही गुड्डू को, किसी को भी खाने नहीं दे रहा है अच्छे से। शेरू बहुत बदमाश हो गया है गाइस। और हमारा एक पपी जो चाटली थी वो अभी हमें दिखाई नहीं जा रही है गाइस, पता नहीं कहाँ चली गई है। और देखिए ब्लैकू मेरा पैर चाटने आ गया है, ब्लैकू। तो देखिए गाइस ये ब्लैकू है और ये पपीस बहुत अच्छे से बड़े हो गए हैं पर जो हमारी चाटली थी वो हमें अभी दिखाई नहीं जा रही है गाइस, पता नहीं कहाँ है चाटली। बहुत प्यारी डॉग था, मतलब प्यारा डॉग था पर अभी चाटली हमें दिखाई नहीं जा रहा है गाइस। और हम चाटली को ढूंढ रहे हैं, बाकी तीन पपीस हैं पर चाटली नहीं है। तो देखिए पीशू कैसे आ रहा है, पीशू बहुत सिल्क, देखिए इसके जो फर आप लोग देख पा रहे हैं बहुत सिल्की है। यहाँ से आप लोगों को वीडियो से उतना अच्छा पता नहीं चलेगा पर बहुत सिल्की है, मतलब ये जहाँ पर भी रहते हैं अच्छे से रहता है। और शेरू अभी खाने नहीं आ रहा है और ये तीनों अच्छे से खा रहे हैं अभी। पर हमारी जो चाटली थी हमें उसको ढूंढना पड़ेगा, वो बहुत प्यारा डॉग है तो हम उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे गाइस। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। थैंक यू।